जय शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, शिवराज जी के। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी तक जो बताया गया था कि सूत्रों द्वारा कि शाम को देर रात 8 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी फिलहाल तक तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे गया। लेकिन गौरी शंकर बिसेन जो विधायक, इनके यहाँ जरूर यहाँ पर समर्थकों का हुजूम लगा हो, यहाँ पर स्वागत के लिए लगातार यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं इनके समर्थक वो जरूर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि सिर्फ मेरे पास फोन आया है, इसके बाद कोई कैबिनेट जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना उसको लेकर कोई बातचीत फिलहाल उनके पास कोई सूचना नहीं है। मंत्रिमंडल में आपका नाम भी है सर, क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, नितिन मंत्रिपरिषद में किस विधायक को सम्मिलित करें, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जबलपुर में, जबलपुर से आएंगे और जैसे कि सूचना है जल्दी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। सर फोन आया आपके पास भी? नहीं, हमें भोपाल में रहने को कहा। किसने कहा था सर? हम नेतृत्व ने कहा। अच्छा सर, अभी तक तो समय 8 बजे बताया था, ये हम अपने मन से लगा रहे थे एथेंटिक 8 बजे, 9 बजे, 25 को है, 26 को है, इसकी कोई प्रमाणिक हमारे पास में जानकारी नहीं। सर समर्थक तो आपके स्वागत में आ गए हैं सर यहाँ पर, अब क्या करें, दुनिया माचिस की डिब्बी के बराबर हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आज 3 दिनों से मंत्रिपरिषद के विस्तार की चर्चा कर रहा है। अखबारों में हमारे लेखकों ने रंग दिया अखबारों को विस्तार को लेकर के, पूरे राज्य में खुशी का वातावरण है। कार्यकर्ता का आना, कार्यकर्ता अपने नेता का शिल्पीकार है, विश्वकर्मा है। सर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं महाकौशल को साधने की तैयारी तो नहीं है? ऐसा है, भाव के नाम से जाने जाते हैं पूरे, ये गलत है। हमारे मतदान केंद्र पर बूथ की टोली है, मोर्चा प्रकोष्ठों की टोली है, हम केडर पे पार्टी के लोग हैं, इसको चुनाव से जोड़ के देखने की कहीं आवश्यकता।